जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हमारी डेली स्टैटिक जीके की 9th क्लास रहेगी। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस जो हैं वो डेली शाम को 8 बजे जो हैं वो आपके सामने पब्लिक हो चुकी हैं। आज हमारी 9th क्लास है, लेकिन 9th क्लास में कुछ हल्का सा चेंज किया गया है, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ कुछ मैथ के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। और कुछ कमेंट हमें आए थे कि सर थोड़ा सा आप मैथ की क्लास के ऊपर भी थोड़ा सा आप वर्क कीजिए, तो मैंने उनको बताया था जल्दी ही आपकी मैथ की क्लास जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है। एक सेपरेट क्लास जो है वो डेली बेसिस पे आपको जो है वो मिलेगी, उसके ऊपर भी हमारा काम जो है वो जारी है। लेकिन उससे पहले कुछ टाइम के लिए हमने स्टैटिक जीके और मैथ को जो है वो मर्ज किया है। स्टैटिक जीके में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, साथ में कुछ साइंस के क्वेश्चन जो है वो डेली आपको मिलते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज हमने जो है वो मैथ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया है। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो भी आपको अच्छी लगेगी। और डेली शाम को 8 बजे हमारी क्लास आपके लिए लाइव जो है वो आती है। सो विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को आप शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें डेली बेसिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली टू डेली करवाई जाती है। आपको ऐप सर्च करना है विजयपथ, आपको प्ले स्टोर के ऊपर ऐप मिल जाएगा। ये फ्रंट व्यू आपको बताया गया है ऐप का, इसमें आपकी पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस, साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑर्डर जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। थोड़ा सा आज आपको यहाँ पे नॉइस, हल्की सी नॉइस आपको देखने को सुनने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल में जो है वो पालमपुर में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो लगी है, तो उस वजह से थोड़ा सा आप कॉपरेट करें हमारे साथ भी। स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आज की इस क्लास में मैथ और जीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। 2/7 को 7/2 से आपको जमा करना है और बताना है क्या इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से, आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल जनरल बेसिक क्वेश्चन नहीं है, या फिर अगर आप ये बोलें कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं, आज के क्वेश्चन दिमाग वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग वाले। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 2/7 + 7/2 को या तो आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। मैं इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 14, 2 को 2 से करेंगे 4, 7 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 49, कितना आ गया, 53/14। ठीक है जी, इसको आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए। अब 53 जो है वो आपका ऊपर है और नीचे क्या है, 14। तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है जी, लास्ट नीचे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो एबीसी से कुछ हो सकता है। यहाँ पे है 51, यहाँ पे है 55, ये दोनों भी नहीं होंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दिया गया है, किस में तोड़ दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में। 14 को 3 से करेंगे प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 53/14। तो ऑप्शन सी जो है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। जल्दी से अगला क्वेश्चन आप कीजिए। एक बाल्टी के 2/7 भाग में क्या है, पानी भरा है, और हिमाचल में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ज्यादा गहराई वाली चीजों जगह पे आपको नहीं जाना है। आप सभी जानते हैं हिमाचल में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, बादल फटने से, या फिर आप बोल सकते हैं इस बारिश से। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाल्टी के 2/7 भाग में क्या है, पानी है, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास एक बाल्टी, ठीक है जी, बाल्टी आ गई। अब ये तो पूरी की पूरी कितनी है, हम कितना काउंट करते हैं इसको, एक काउंट करते हैं। अब इसके पूरे एक हिस्से में, ठीक है, पानी नहीं है, इसके कितने हिस्से में पानी है, 2/7 हिस्से में। अब ये तो आ गई बाल्टी, ठीक है, हमने क्या मान लिया, बाल्टी को एक मान लिया। अब एक में से 2/7 हिस्से में पानी है, तो बाकी जो हिस्सा बच जाएगा 7 में, अब देखिए इसको या तो एक से कम कर लीजिए तो 5/7 आएगा एलसीएम लेके, या फिर एक और मेथड है, 2/7 को
सात के दो हिस्से में क्या है, पानी है, तो सात का कितना हिस्सा बच गया पेंडिंग, पांच बच गया, सात में से दो कम कर दिया तो पांच बटा सात में क्या है, पानी नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए मान के चलते हैं ये दो बटा सात हिस्सा आ गया, दो बटा सात हिस्सा, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, ये पानी भर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पेंडिंग वाला जो हिस्सा बचा ये कितना है, पांच बटा सात। अब क्या बोला गया, बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर पानी की जो है वो जरूरत लगती है। मतलब कि ये जो हिस्सा है अगर मैं इसको भर देता हूँ, पांच बटा सात हिस्से को भर देता हूँ, तो पानी की बाल्टी पूरी की पूरी भर जाती है। लेकिन जब ये पांच बटा सात हिस्से को भरता हूँ तो कितना पानी लगता है, 15 लीटर पानी जो है वो लगता है। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पांच बटा सात पानी लगता है, और ये जो दिया गया आपके पास वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कितना पानी लगता है, 15 पानी लगता है। आप इसको क्या कीजिए, एक की वैल्यू निकालिए, क्योंकि बाल्टी एक है, सात कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, और पांच कहाँ आएगा, नीचे, पांच से कट गया तीन बार, सात यहाँ 21, बाल्टी कितने लीटर की, 21 लीटर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रीजनिंग के टाइप का भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है, आपके पास एक पैटर्न दिया गया है। ठीक है जी, जीके के क्वेश्चन भी आज की इस क्लास में रहेंगे आपके लिए, बीच बीच में डाले गए हैं, थोड़ा सा लाइट का इशू था आज, उस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके टाइप नहीं हो पाए और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं बन पाई पूरी की पूरी। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, 20 से 25 क्वेश्चन आज आपके लिए डाले हैं, थोड़ा सा नोइसी आज क्लास में जो है वो रहेगा साउंड का, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ इसको कॉर्पोरेट कीजिएगा, क्योंकि बारिश है तो बारिश की वजह से थोड़ा सा नॉइस जो है वो आपको मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पैटर्न देखिए, एक को एक बोला गया है, तीन प्लस पाँच को आठ बोला गया, फिर सात नौ ग्यारह कितने होते हैं, 27, फिर 13, 15, 17, 19 और 64, 19 कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और उसको प्लस करके आपको जो है वो वैल्यू बतानी है, वट विल बी द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, मतलब कि पहले आपको वो संख्याएं पता करनी हैं जिनको प्लस करके आपको क्या करना है, वो वैल्यू को निकालना। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, पैटर्न आप सबसे पहले पैटर्न के ऊपर फोकस कीजिए। ये जो है वो आपके पास ओड नंबर दिए गए हैं, कौन से नंबर, ओड नंबर, पहला नंबर है एक, फिर उसके बाद है तीन और पाँच, फिर सात नौ ग्यारह, पहले में सिर्फ एक वैल्यू ली, अगले में सिर्फ दो नंबर लिए, उसके अगले में तीन, इसके अगले में चार, अगले में कितने आएंगे, पांच आएंगे। ठीक है जी, 13, 15, 17, 19, 19 के बाद कौन सा नंबर, 21, एक हो गया, फिर आ गया 23, दो, फिर आ गया 25, तीन, फिर आ गया 27 और उसके बाद आ गया 29, कितने नंबर लेने हैं, पाँच नंबर लेने, सबको ऐड कीजिए वो आपका राइट आंसर आएगा, जल्दी से ऐड कीजिए क्या राइट आंसर है। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, लास्ट नंबर को आप ऐड कीजिए बस, ये सात और तीन कितने, 10, नौ और एक कितने, 10, 20 हो गए, 20 और पाँच कितने, 25, यानी कि लास्ट नंबर में पाँच आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल हिट हो गया। ठीक है जी, 125 आएगा इसको प्लस करके, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है देखिए, क्या बोला गया है, जीके का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, क्या बोला गया, झूम फार्मिंग इज प्रैक्टराइज बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल ऑफ, जो झूम खेती है ज़्यादातर इसमें की जाती है, ये धान की खेती के लिए, झूम खेती जो है किस राज्य के पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं वो इस खेती को अपनाते हैं, झारखंड, मिजोरम, असम या फिर छत्तीसगढ़। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके लिए पूछा गया है ये, भारत के जो पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर जो है इसे मुख्य रूप से अपनाया जाता है, इस मेथड को अपनाते हैं झूम खेती के तरीके को, तो वो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। तो देखिए मिजोरम इसका ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मिजोरम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में जो है वो पहाड़ी लोग जो है वो झूम खेती को जो है वो अपनाते हैं। मुख्य रूप से कितनी फसलें हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद, मुख्य रूप से कितनी फसलें आती हैं, तीन फसलें आती हैं। अगला प्रश्न काउंट कीजिए जल्दी से, स्टार्ट जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, आंसर आना चाहिए आपका जल्दी से। 1300+13 ones and 13 tens किसके, एंड माइनस करना है 1000 किसके इक्वल है। देखिए 13 और आगे है 100, यानी कि थाउजेंड की बात की गई है, थाउजेंड में आपको
यहाँ पर हंड्रेड्स बताने, सॉरी सो बताना है, हंड्रेड्स लिखना है, हंड्रेड में कितने आते हैं, दो जीरो आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आ गया प्लस 13 इकाई, इकाई का मतलब कितना होता है, सिर्फ एक वैल्यू जो दी गई है सिर्फ वही लिखी है, ठीक है जी। 13 आ गया प्लस के 13 दहाई, प्लस के कितने करने हैं, 13 दहाई, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके से होता है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 13 टेंस दिया ना, टेंस का मतलब कितना होता है, कितनी जीरो लगा दी, एक जीरो, वंस में कोई जीरो नहीं लगती, हंड्रेड में कितनी जीरो, दो जीरो, तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी। अब माइनस कितना करना है, 1000 आपको माइनस करना है, ठीक है जी। 1000 आप माइनस कर दीजिए, 1300 में से आपके पास 1000 चला गया, ठीक है जी। कितना बचा, 130, ये तो वैल्यू हो गई प्लस के 13 और प्लस के 130, सबको ऐड कीजिए क्या राइट आंसर आएगा, 13 और 13 कितने, 26, 260 आ गया। कहीं पे गलती तो नहीं हुई, ओह सॉरी, यहाँ पे 1300 से जब हजार किया, नहीं 130 नहीं आएगा, 300 आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हुई, 300 आएगा, तो 300 और ये 100 आपके 430 बन गए। 430 में आपको कितने जोड़ने हैं, 13 जोड़ने हैं, कितना राइट आंसर आएगा, ये आपका आ गया 3, 4 और 4, 443 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी, 443 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव देयर वेट बिटवीन 45 kg to 50 kg। आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरीके के रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज के आपके चैप्टर में परसेंटेज, एवरेज, ट्रेन, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी या फिर एक यूनिकनेस लाने की मैंने जो है वो आज कोशिश की है, मैथ में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैंने आज आपसे जो है वो यहाँ पर पूछे हैं। किसी कक्षा के 21 बच्चों का भार जो है वो आपके पास दिया गया है और इनका भार 45 से लेके 50 के बीच दिया गया है, उससे कम भी है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर वेट बिटवीन 45 to 50, कितने ऐसे बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल कितने हैं, 21। जल्दी से काउंट कीजिए, स्क्रीन को थोड़ा सा फोकस कीजिए, काउंट कीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू पॉइंट में दी गई है। टोटल 21 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 45 से लेके 50 किलो के बीच है, जल्दी से थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा ये लीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए आप, क्या राइट आंसर इसका रहेगा, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है, ट्राई कीजिए आप क्या राइट आंसर है, काउंट कीजिए जल्दी से, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 45 से लेके 50 केजी तक जो है वो वेट है, ये आपको बताना है। तो चेक करते हैं, देखिए 45 से बड़ी वैल्यू ये एक आ गया, उसके बाद 44, 42 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 46 आ जाएगा, दो, उसके बाद ये आगे 3, ये 4, फिर 47 5, फिर ये 6, ये 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो गए अभी तक, ठीक है जी, 6 हो गए, उसके बाद 47 ये आ जाएगा, 7, 54 तो आएगा नहीं, 50 आ जाएगा, नहीं 50 को हम काउंट नहीं करेंगे, 50 के बीच होना चाहिए, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, 7 हो गया, उसके बाद ये आ गया 8, 9 और 10, तो टोटल बच्चे कितने, 10। हाँ आपको 45 से करना है, 45.1 से लेके कहाँ तक जाना है, 49.9, 45 नहीं होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन थोड़ी सी ध्यान से आप देखिए, किन बच्चों का भार 45 से 50 के बीच है, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप आंसर क्या देंगे, 3 देंगे, ना कि आप ये बोलेंगे कि 2 भी आती है और 4 भी आती, नहीं, आप उसके बीच की संख्या बता रहे हैं। तो वैसे ही आपको 45 और 50 के बीच की संख्या बतानी है, यानी 45.1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 49.9 तक, तो टोटल कितने बच्चे आगे, 10 बच्चे आगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जल्दी से ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए, एसएससी सीजीएल का 2019 का आपका क्वेश्चन रहेगा ये, एसएससी सीजीएल का 2019 का, जब मैंने
पहली बार अपना सीजीएल दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो उस पेपर को मॉडरेट बनाने के लिए किया जाता है, कि क्योंकि कुछ बच्चों को ज़्यादा पेपर हार्ड लगे और कुछ बच्चों को इजी लगे। क्योंकि जैसे अगर 30 क्वेश्चन है मैथ के, तो एक ब्लूप्रिंट की हेल्प से उसको तैयार किया जाता है, जिसमें जो 15 क्वेश्चन है वो एक एवरेज के लिए डाले जाते हैं, एक एवरेज सेंस से डाले जाते हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ या डिफिकल्टी लेवल की, 5 जो हैं वो ईजी डाले जाते हैं और 5 जो हैं वो हार्ड डाले जाते हैं। अगर जैसे 30 नंबर का है तो 10 जो हैं वो हार्ड डाल दिए जाएंगे, 5 ईजी और 15 जो है वो एवरेज के डाले जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है उस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए। तो इसमें जो है वो कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी। तो देखिए, इजी तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, फ्री के नंबर हैं ये तो आपके आने ही चाहिए। 101 को 203 से क्या करो, जल्दी से गुणा कीजिए। 101 को किससे गुणा करना है, 203 से। देखिए, गुणा जब भी आप कीजिए, मैं सिर्फ यही आपके लिए प्रेफर करूंगा कि हमेशा इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए। आपको कितनी भी ट्रिक्स क्यों ना आती हो, कितने भी नए मेथड क्यों ना आते हों, लेकिन जो हमारे लिए तसल्ली, जो आंसर हमें तसल्ली देता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से जो है वो हमें तसल्ली मिलती है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी हल्का सा आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको क्या बताया गया है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 20503 आएगा। ठीक है जी, कितना आंसर आएगा, 20503 आएगा। और इसमें आगे क्या बोला गया कि कितना ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट कितना बने, 20600 बने। तो कितना ऐड करना है कि आपके पास आंसर कितना बने, 20600, या तो ऐड कर दीजिए या फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो कितना आंसर आएगा, 111। ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रमेश ने 1950 पे, ठीक है जी, 19 कितने होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1950 यानी कि 7:50 रात की बात की जा रही है, पीएम में अपनी यात्रा शुरू की। उसने एक ट्रेन पकड़ी थी या बस पकड़ी थी, आप मान के चल सकते हैं। 7:50 पर वो बस में बैठ गया और 23:20 पे, अब 23 कितने होते हैं थोड़ा सा आप काउंट कीजिए, 11:20 कितने, 11:20 पे जो है वो शाम को उसने अपनी यात्रा जो है वो समाप्त कर ली, ट्रेन से या बस से वो उतर गया। तो उसे कुल कितना समय लगा, ये चीज आपको बतानी है। तो आप क्या कीजिए, या तो गैप निकाल लीजिए खुद, या फिर दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, आप इसको कैसे काउंट करेंगे वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 7:50 हुए, इसमें 10 मिनट और आगे चले गए आप, तो कितने बज गए, 8 बज गए। 8 से चले गए आप 9, 9 से चले गए 10 और 10 से चले गए 11। कितने घंटे आगे गए, 8 तो बज गए जब आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा किए, 8 से 9 एक घंटा, 9 से 10 दो, 10 से 11 कितने घंटे, 3 घंटे। और ये 10 मिनट तो आपके ऐसे हैं, 11 बज गए। अब 11 के बाद कितने मिनट आप आगे गए हैं, 20 मिनट और गए हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 घंटे और प्लस 10 और 20 कितने, 30 मिनट। या फिर आप बोल सकते हैं 3 घंटे 30 मिनट या फिर 3.5 घंटे, 3.5 घंटे लगे, 3 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल 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 सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में जो है वो दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, और उसी दांडी मार्च यात्रा को जो है वो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो है वो नमक के ऊपर कर लगाने के लिए एक कानून उन्होंने पारित किया था, उसका विरोध किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है वहाँ से इसकी शुरुआत की थी, और लगभग ये नमक सत्याग्रह जो है वो 24 दिनों तक चला था, जिसमें ये जो है वो पैदल यात्रा हुई थी, और इसको 6 अप्रैल 1930 में जो है इसको एंड किया गया था। 12 मार्च में चला था ये, 12 मार्च 1930 में चला, लगभग 24 दिन ये चला, 24 डेज ये चला था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है इसको भंग किया गया, इस कानून को भंग किया गया। तो कुल कितने मील की यात्रा रही थी, 241 मील की यात्रा जो है वो उस समय की थी, और टोटल कितने व्यक्ति थे, लगभग 78 लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।
who among the following has the power to promulgate ऑर्डिनेंस। अब देखिए दिल्ली में भी अभी एक अध्यादेश जो है वो जारी हुआ है, उसका भी अभी जो है वो बात चली है लोकसभा राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, तो किसके पास जो है वो जारी करने की शक्ति है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ उस बिल को पास कर सकते हैं, लेकिन उसको जारी करना मतलब कि पूरे उस स्टेट में, यूटी में, उस पूरे कंट्री के ऊपर अगर कोई चीज़ जारी करनी, कोई चीज़ लागू करनी है, तो उसकी शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रेसिडेंट के पास। और वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट, कमेंट कीजिए आप, वर्तमान में कौन है भारत के राष्ट्रपति? मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको डेली टू डेली करंट अफेयर एंड प्रैक्टिस मॉक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता क्या क्या इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं आप, पेड क्लासेस हैं आपकी, फ्री क्लासेस हैं, उसके बाद आपका करंट अफेयर है, टेस्ट सीरीज है, लाइव इवेंट्स हैं, स्टोर में आपको बुक्स मिल जाएंगी, साथ में ई बुक्स और डॉक्यूमेंट जो भी हमारे रहते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, वो भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे अगर नोट्स परचेज करने हैं तो स्टोर में जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिफरेंट जो भी जीके के सेशन रहते हैं उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ में उनके प्रिंटेड नोट्स अगर आप बाय करवाना चाहते हैं, साथ में अगर आपको बुक्स चाहिए तो वो भी आप जो हैं वो यहाँ से बाय करवा सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए हमारा फ्री मोबाइल ऐप विजयपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? अब तमिलनाडु में जो है वो एक नमक सत्याग्रह हुआ था, ये किसने किया था ये आपको जो है वो बताना है। आंसर शेयर कीजिए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। हाँ जी, तो तमिलनाडु में भी एक नमक सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह किया था उसी के दौरान हुआ था ये। तमिलनाडु में भी यात्रा की गई थी और उसका जो नेतृत्व था वो किया था सी राजा गोपालाचारी ने। किसने किया था? ऑप्शन सी, सी राजा गोपालाचारी जी ने। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इनसे एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनता ही बनता है, 101% आपका इनमें से एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, 356 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मैथ से रिलेटेड, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? जो एक क्यूब है उसका जो फेस है, अब क्यूब किस प्रकार से होता है देखा होगा आपने, ये जो है बॉक्स बना दिया, इसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया, ये जो है एक 3D इमेज है, लेकिन हम जब इसको कॉपी के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये हम इसको 3D को एज अ 2D की फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। इस तरीके का बॉक्स होता है। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला गया कि ये जो इसका फेस है, ये जो इसका फेस है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला जो इसका फेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये जो मैंने अंदर फिल कर दिया ये वाला सारा का सारा, ये किसकी तरह लगता है? ठीक है जी, किसकी तरह लग रहा है? एक सिंपल इस तरीके से लग रहा है। अब है क्या ये? क्यूब है। और क्यूब किसका रूप होता है? क्यूब जो होता है वो किसका होता है? वर्ग का रूप होता है, स्क्वायर का रूप होता है, इसलिए वर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए क्या राइट आंसर है। 2 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, समकोण किसके बराबर है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो 2 से ही 2/3, 2 से ही 2/3 को पहले आप ओपन कीजिए, क्या आंसर आएगा? 2 से ही 2/3 को ओपन कीजिए, 3 को 2 से किया गुणा 6 और 2 कितने हो गए, 8/3। समकोण निकालना है तो गुणा किससे करते हैं, 90 से की जाती है, 3 से 90 कटेगा 30 बार, 8 को 3 से करेंगे कितना, 24 और 1 लगी 0, 240 डिग्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा जी? ऑप्शन डी, 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना, आपको मीन बताना है पहली 10 इवन नेचुरल नंबर का, इवन नंबर जो पहले 10 इवन नंबर हैं उनका क्या बताना है आपको, मीन बताना है। मीन कैसे निकाला जाता है, पहले आप क्या कीजिए, मैं इसके लिए आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। मीन को आप एज अ एवरेज जो है वो काउंट कर सकते हैं, मतलब आपसे पहली 10 सम संख्याओं का क्या पूछा है, एवरेज आपसे पूछी है। तो देखिए पहले 10 सम संख्याएं लिखिए, 2 पहली, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, उसके बाद कितना आएगा 10 आएगा, फिर आएगा 12, उसके बाद आएगा 14, फिर आएगा 16, ठीक है जी, उसके बाद आएगा 18। काउंट कर लीजिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और आएगी, कौन सी आएगी, 20। ये इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है। ऊपर सबका सम लिखेंगे, नीचे टोटल संख्याएं लिखेंगे, टोटल संख्याएं हैं कितनी, 10 हैं, ठीक है जी, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 110, नीचे कितना 10, 0 से 0 कटी, राइट आंसर क्या है 11। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक आपकी तब लगती है जब आपकी इस सीरीज में जो गैप है, संख्याओं के बीच का जो गैप है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए गैप क्या है, सेम, 2 और 4 के बीच 2 का गैप, 6 और 8 के बीच 2 का, फिर 16 और 14 के बीच 2 का, फिर 16 18 के बीच 2 का, ठीक है जी, पूरी की पूरी सीरीज में गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर के साथ लास्ट नंबर को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, बस ये आपका सिंपल सा एक रूल है। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 20 है, सीरीज में डिवाइड कर दीजिए 2 से, 20 और 2 कितने हो गए, 22/2, 2 से आपका 22 कटा, राइट आंसर क्या आएगा 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आज का, ये भी आपका SSC, GD, MTS, CHSL और CGL के एग्जामों में जो है वो पूछा गया है। आपको रोमन्स में बताना है, रोमन्स में आपको आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर आएगा। CTAT में आपका ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में, अभी जो आपकी शिफ्टें हुई हैं दिसंबर और जैन में, उनमें आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और ये शायद 12 जनवरी का आपका एग्ज़ाम था। CTAT का आपका एग्ज़ाम है 12 जनवरी 2023 का आपका शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर शेयर कीजिए क्या राइट आंसर आएगा रोमन नंबर्स में। देखिए x का मतलब कितना होता है 10 और l का मतलब कितना होता है, l का मतलब होता है 50, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। v का मतलब कितना होता है 5, उसके बाद x का मतलब कितना होता है 10, l का मतलब है 50, c का मतलब कितना होता है, c का मतलब होता है 100 और d का मतलब होता है 500 और m का मतलब कितना होता है 1000 होता है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी हैं, क्लास 3 से ये करवाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको 6 लिखना है, तो ये 5 आ गया और एक ये 6 आ गया, तो ये क्या बन गया 6। अब आपको इसको क्या करना है, काउंट करना है क्या इसका राइट आंसर रहेगा, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स एल, एल का मतलब 50 और 10 पीछे कम करना है, ठीक है जी, ये तो आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, ठीक है। देखिए अगर मेरे को 15 लिखना है, तो ये आ गए 10 और ये आ गया 5, कितने बन गए 15। अगर मेरे को 16 लिखना है, तो ये 15 और एक आगे कर दूंगा तो 16। अगर मेरे को 14 लिखना है, तो ये तो हो गए कितने 10 और उससे आगे मैं ये लिखूंगा, तो ये कितने होते हैं 4, 10 और 4 कितने 14, इस तरीके से लिखा जाता है। 50 के पीछे x लगा, यानी कि 10 कम किए होंगे तो आ गया 40। फिर है प्लस, यहाँ पे है x 10 और l कितना है 50, 50 के आगे x लगाया है, 50 और 10 कितने 60। माइनस l कितना होता है, l कितना है आपके पास है 50, ठीक है जी। उसके बाद x x, ये x और x कितने बन गए 20, 50 और 20 कितने हो गए 70, 70 और ये कितना लिखे हैं 4, 70 और 4 कितने 74, तो ये लिखा है 60 और 40 कितने 100, 100 में से 74 चले गए, कितने बचे आपके पास, आपके पास बच गए 6 और 2, 26 बचे। अब 26 किस प्रकार लिखा जाता है वो ऑप्शन में ढूंढिए आप, किस प्रकार 26 को लिखा जाता है वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, वो चीज़ आप बताइए 26 को कैसे लिखा जाता है वो आप बताइए, ठीक है। ये आगे आपके 10 और 10 20, 20 और 6 कितने 26, ऑप्शन बी x x v और i, ये किसके बराबर है 26, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। रोमन संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको खुद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड मास मेथड आपका हेल्प करेगा। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा 0.01, पॉइंट ओपन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए किसी परीक्षा में टोटल 5 विषय हैं और उसमें जो है वो एक लड़की है दिव्या, उसने उसके जो मार्क्स हैं वो कोणों के आधार पर जो है वो बताए हैं, ठीक है जी। हिंदी में 84 डिग्री का कोण बनाया गया है, इंग्लिश में 60, मैथ में 63, साइंस में 57, एक पाई चार्ट बनाया है, पाई चार्ट इस तरीके का होता है, ठीक है जी। टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री। अब ये देखिए ये आ गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है जी। अब 90 डिग्री का कोई भी एंगल तो है नहीं, ठीक है जी, कोई एंगल है नहीं, ये सेंटर लाइन आ गई। अगर मैं इससे हल्का सा अगर इसको तिरछा कर देता हूँ, 90 डिग्री से तिरछा कर देता हूँ तो ये बन गया 96, ये वाला आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद इसको आप एंगल दे दीजिए कितना, 57 का। इस तरीके से आपने एक पाई चार्ट बनाया है। अब बोला गया कि उसे गणित में 105 अंक मिले हैं, ठीक है जी, गणित में, मैथ में उसे कितने अंक मिले, मैथ में मिले उसको 105 अंक, लेकिन उसने मैथ में कोण कितने का बनाया है। अगर एंगल की बात की जाए, एंगल की बात की जाए तो कोण कितने का है, 63 डिग्री का। तो उसको बोला गया है उन पांचों सब्जेक्टों में कुल अंक कितने हैं, उन पांचों सब्जेक्टों में टोटल मार्क्स जो हैं वो आपको जो हैं वो बताने हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया कि मैथ का एंगल कितना है 63 डिग्री का, लेकिन मार्क्स की फॉर्म में बता दिया गया 105 नंबर। एक डिग्री का कोण निकालेंगे तो कितना आएगा, 105/63 आ गया। यहां तक आपको पता हो गया, ये आ गई किसकी वैल्यू, एक डिग्री की वैल्यू जो है वो यहां पर आ गई। अब पांचों विषयों का एंगल आप काउंट कीजिए, पहले टोटल आप काउंट कीजिए, ये है 84, फिर है 60, 63, फिर है 57 और फिर है 96। सबको ऐड कीजिएगा, कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास 360 आ गया। टोटल एंगल तो आपके पास पता है कितना आएगा, 360 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए पाई चार्ट था तो टोटल एंगल आ गया 360। अब आपको टोटल अंक बताने हैं तो एक डिग्री की वैल्यू 105/63 है और टोटल 360 में आपके क्या आ जाएंगे, अंक आ जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, वही क्या है आपका राइट आंसर है। सॉल्व करेंगे टोटल आंसर आएगा 600, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कटिंग आप खुद कर लीजिएगा, इजी है। नौ के पहाड़े से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 40, 9 चौके 36 और ये कट जाएगा आपका 7 से, फिर 7 से आपका 105 कट जाएगा, 7 और 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60 और ये आ गया आपका 600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, ऐसी कौन सी त्रिभुज है जो कभी बन ही नहीं सकती। अब देखिए जब भी हम पढ़ाते हैं या फिर आप जब खुद ट्रायंगल की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी मर्जी से पढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं, बच्चों को ऐसे समझा देते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अपनी मर्जी से बता देते हैं कि जैसे ये बता दिए 19 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। हमने अपनी मर्जी से पढ़ाने के लिए तो बता दिया, लेकिन ट्रायंगल को बनाने के भी कुछ रूल होते हैं। अब देखिए रूल इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी त्रिभुज है जो कभी बन ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो, ठीक है। तो देखिए या तो उसमें ट्रिपलेट रूल होना चाहिए पहला, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करती है, वो फॉलो करती है। अब देखिए मैंने एक ट्रायंगल यहां पर बनाई आपके सामने, ये वाली, ठीक है जी, कभी भी इस तरीके से ये वाली ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि 3, 4 और 5 जिस त्रिभुज की साइडें होंगी वो हमेशा और हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगी। कौन सी त्रिभुज बनेगी, एक समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा। ये आएगी 5, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, क्योंकि पाइथागोरस लगेगी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने 25 और 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो ये हमेशा एक चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका जो रूल होता है, रूल मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। कुछ त्रिभुजों में पाइथागोरस अगर थ्योरम लगती है तो वो समकोण है, अगर नहीं लगती है
तो हो सकता है कि सो समबाहु विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। दूसरा रूल इसका ये है कि जब भी कोई भी अगर त्रिभुज तब बनेगी जब उसकी दो साइडें जो हैं, उसकी जो दो साइडें हैं उनका योग जब करेंगे, यानी कि उनका योग जब करेंगे तो वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। थर्ड से क्या होना चाहिए, योग ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं कोई भी दो भुजाओं को आप ऐड कर लीजिए, मैंने क्या किया, तीन और चार को ऐड कर लिए, क्या आ गया, सात। अब दूसरी जो भुजा है वो छोटी होनी चाहिए, दूसरी भुजा छोटी होनी चाहिए या फिर योग आपका जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो सात क्या है, बड़ी वैल्यू है किसी भी अन्य भुजा से। छः और छः को ऐड किया, कितना आ गया, बारह, ठीक है जी। नेक्स्ट भुजा क्या है, छोटी है, ये भी ठीक है। अब सात और सात को ऐड किया, कितना आ गया, चौदह। लेकिन आप देखेंगे इसमें योग जो है वो क्या रह गया, वो तो कम हो गया, योग जो है वो ज्यादा होना चाहिए आपका। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। सात, सात और पंद्रह की कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकती। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है और 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी लंबाई दी गई है, 18 सेंटीमीटर परिमाप आपको बताना है। पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 252 है, लंबाई आपको दी गई है 18, तो ब्रेथ आपकी जो है यहाँ पर इजीली निकल जाएगी। 18 से आप इसको 252 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 14। लेंथ आ गई 18, ब्रेथ आ गई 14। इसका परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + V होता है, ठीक है जी। दो एज इट इज, L और B को आप ऐड कर लीजिए, 18 और 14 आपने ऐड किए, 18 और 14 28 और 19 सॉरी 29 30 और 2 32, ठीक है जी, 2 × 32 कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता यानी कि एनीमिया अगर उसको हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या खाने पीने की सलाह देता है, उसको ऐसी कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि एनीमिया से वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे कि आपको पता है अगर किसी को अगर स्टोन हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली हिमाचल में हर एक गांव में या हर किसी फैमिली में जो है वो स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो आजकल देखी जा रही है, या फिर शुगर की है, ठीक है, डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही है, तो उनको कुछ खाने की सलाह दी जाती है, कुछ ना खाने की सलाह दी जाती है। तो वैसे अगर किसी को बोला जाए अगर उसके एनीमिया, उसको एनीमिया रोग हो जाए, अब पहले एनीमिया का पता होना चाहिए। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जिसके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन B9 की जब कमी हो जाए, विटामिन B9 की कमी हो जाए तो उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है, या फिर उसको आयरन, जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो वो चीज़ें दी जाती हैं। तो देखिए लगभग सभी में जो है वो आयरन तो होता ही होता है, लेकिन कुछ एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसको आयरन के लिए फेमस माना जाता, तो वो है पालक, स्पिंच और बीट रूट जूस, ठीक है जी, चुकंदर का रस और पालक जो है उसको मुख्य रूप से जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी डाला है मैंने, जो बर्ड्स हैं वो कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, अपने पंखों को खो देते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे आंगन में या फिर छतों के ऊपर जो है वो चिड़िया के पंख गिरे होते हैं, कोयल के पंख गिरे होते हैं, जो छोटे छोटे उड़ने वाले पक्षी उनके पंख गिरे होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे अपने पंखों को क्या कर देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, नए पंख जो है वो उनमें आते हैं। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये चीज आपसे पूछी गई है, तो उसको हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग के नाम से उसको जानते हैं, यानी कि झाड़ना। अब देखिए उसने क्या किया, पक्षी ने अपने पंख क्या किए, झाड़ दिए, ठीक है जी, तो उसको क्या कहा जाता है, मोल्टिंग, और हिंदी में इसको निर्माचन के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्या कहते हैं, निर्माचन के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि जो ब्रेल लिपि जहाँ पर यूज की जाती है, जिनको जो है वो विजुअली प्रॉपर नहीं दिखाई देता है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो दी जाती है, क्लास सिक्स के हिंदी के चैप्टर में भी शायद ये जो है वो हल्का सा बताया गया है पोइम के माध्यम से, या शायद चैप्टर है जिसमें ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया कि जो लोग अंधे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, अगर उनको पढ़ना है
तो बिंदुओं के आधार पर जो है वो पढ़ते हैं, बिंदुओं के आधार पर वो हर किसी चीज़ का जो है वो पता लगाते हैं। तो ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर कार्य करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो ब्रेल लिपि है कितने बिंदुओं के ऊपर कार्य करती है, ताकि जो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं जिनको विजुअली नहीं दिखाई देता है उनको पढ़ने या लिखने में जो है वो सहायता हो सके। तो ऑप्शन बी, टोटल 6 बिंदु जो हैं वो उसके लिए जो है वो हेल्प करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप इसका एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे आंसर आप शेयर कीजिएगा कि ब्रेल लिपि के लिए जो है वो लुईस ब्रेल के नाम से जो है इसको मनाया जाता है, एक उनके लिए एक स्पेशल दिन मनाया जाता है। कौन से दिन या कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है, लुईस ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है। अगला अंतिम प्रश्न है आज के इस क्लास का, आपको बताना है कि बाबड़ी का अर्थ क्या होता है। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेल कहते हैं, स्टेप बेल, पोंड या फिर स्टीम, कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब या फिर झरना। कमेंट आप शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता कि इसका आंसर जो है वो ए और बी से ही आएगा। ये भी आपका MTS का आपका ये क्वेश्चन है, और साथ में सी टैट 2023 17 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड का आपका क्वेश्चन ये रहेगा, और MTS में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डेली आपकी शाम 8 बजे जो क्लास लगती है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि बाबड़ी का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर शेयर करूँगा इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी। डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजयपथ के एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली टू डेली आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर भेजे जाते हैं, जिसमें मंथली मैगजीन भी आपकी काउंटेड रहती है। न्यूज़पेपर में आपको हिमाचल के लोकल न्यूज़पेपर डेली टू डेली, जैसे पंजाब केसरी, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक, और साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि आपकी वोकैब को, आपकी नॉलेज को एनहांस करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी एनहांस करते हैं, जो कि आपके रहते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ट्रिब्यून है, हिंदू है, इस प्रकार के जो मुख्य न्यूज़पेपर हैं वो आपको भेजे जाते हैं। अगर आपने अभी तक विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप विजयपथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका इसका फ्रंट व्यू है, विजयपथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेपरेशन के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में, इसको आप डाउनलोड कीजिए। और डेली करंट अफेयर और जो भी आपकी डेली शाम 8 बजे क्लासेस रहती हैं उसकी PDF आपको हमारे फ्री बैचेस में जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।